أبا عبد الله يا أبا عبد الله. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرة ونشر الرياح برحمة وودد بالصخور ميادان أرض والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرقمية والجهود التقمية والنقاوة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. دعاء إمام زمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. نرى الصلوات. صادق آل محمد کا فرمان ذیشان ہے کہ من وجد برد حبنا فی قلبه فلیغفر دعاء لامه. جو ہم اہل بیت کی محبت کو اپنے قلب میں محسوس کرے فلیغفر دعاء لامه اسے چاہیے کہ وہ اپنی ماں کے لیے بہت زیادہ دعا کیا کرے.
ये जो अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का समर है, जो इस मोहब्बत का असर है, वो दर हकीकत माँ की तरबियत का असर है। कि जो आप यहाँ पर शहजादा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर मौजूद है, कुल ला सलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल खुरबा का वासे तरीन मिस्ताक है, यहाँ हुसैन के कम में आया है। इमाम ने फरमाया कि हमारा शिया वो है कि जो हमारे गम में मगमूम हो जाए और हमारी खुशी ही में खुश हो जाए। गदीर से बढ़कर अहले बैत क्या कोई खुशी है और आशूर से बढ़कर कोई गम है? गदीर मोमिन की सबसे बड़ी खुशी है, आशूर मोमिन का सबसे बड़ा गम। तो अर्ज खिदमत यह है कि जब इस फर्श पर तशरीफ फरमाए तो खानवादा हुसैन पर जब बात हो रही है तो हुसैन का खानवादा है शजरा मुबारक जैतूनिया, जो हमारा मौजू है। सूरह नूर के आयत नंबर 35 के हवाले से हमने बात कल शुरू की थी, तर्जुमा में फिर से पढ़ रहा हूं और बात को आज आगे बढ़ाएंगे। अल्लाह नूर उस समावात वाल अर्ज, अल्लाह जमीन और आसमान का नूर है। मसल नूर ही का मिश्कातिन, उसके नूर की मसल है। कल अर्ज कर चुका हूँ अल्लाह की मिसल कोई नहीं है, लेकिन अल्लाह के नूर की मसल है। मसल नूर ही का मिश्कातिन, उसके नूर की मसल यह है कि जैसे एक ताक हो दीवार में, एक ताक जहां चराग रखा जाता है। फीहा मिसबाह, उस ताक में एक चराग रखा हुआ है। अल मिसबाह फी ज़ुजाजतिन, और वो चराग भी एक फानूस में है। और ये चराग रोशन है कौकब दुर्री की तरह, और रोशन है एक शजरा मुबारक जैतूनिया से। ला शर्कियतिन वला गर्बिया, ये शजरा मुबारक ना मशरकी है ना मगरबी है। सिराते मुस्तकीम पर यकादु ज़ैतुहा युज़ीउ, और ये हमेशा अपनी रोशनी देता रहेगा। वलौ लम तमसस्सु नारुन, चाहे इसे नार मस न भी करे, यानी चाहे तुम इन्हें इनका हक न भी दो, ये अपना इल्म तुम्हें अदा करते रहेंगे। कल इस पे बात हो चुकी है मेरे साथ है आप। यकादु ज़ैतुहा युज़ीउ वलौ लम तमसस्सु नारुन, नूरुन अला नूर, इसलिए कि एक नूर के ऊपर दूसरा नूर, यानी एक इमाम के बाद दूसरा इमाम आता रहेगा। यकादु ज़ैतुहा युज़ीउ वलौ लम तमसस्सु नारुन, नूरुन अला नूर, यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा, और अल्लाह जिसे चाहता है अपने नूर की हिदायत कर देता है। वयज़रिबुल्लाहु अमसाला लिन्नास, और अल्लाह इंसानों के लिए मिसाल बयान करता है। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह हर शय का इल्म रखने वाला है। कल अर्ज कर चुका हूं मिश्कात से मुराद यहां या फातिमा सलामुल्लाहि अलैहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला, मिश्कात है बीबी। इमाम ने फरमाया ये, यानी जहां नूर इलाही रखा हुआ है उस ज़र्फ का नाम है फातिमा सलामुल्लाह अलैहा। सुभान अल्लाह। फिर फरमाया इमाम ने, चढ़े इमाम की हदीस है, फरमाया कि अल मिसबाह वल हसन, वो जो चिराग है जो ताक में रखा है वो हसन इब्ने अली। बात वाज़ह है, वो चिराग जो है वो हसन है, हसन जो है ना वो हुसैन के भी इमाम। ये बात याद रहे, क्यों? इसलिए कि देखिए हसन और हुसैन, हुसैन कहते हैं डिक्शनरी मीनिंग क्या है, लोगोवी मतलब हुसैन का है छोटा हसन। इमाम हुसैन का अलग से नाम नहीं रखा गया, उन्हें कहा गया छोटा हसन। हुसैन को बड़ा कर दे तो हसन बनता है, हसन को छोटा कर दे तो हुसैन बनता है। हसन की हुज्जत हक है ये इत्मीनान रहे, और हुसैन छोटे हसन है ये बात याद रहे। तो इसलिए हसन है मिसबाह चराग, अज़्ज़ुजाजा हुवल हुसैन। फरमाया वो चराग जिस फानूस में है उस फानूस का नाम हुसैन इब्ने अली है। चराग की जो रोशनी है वो फैलती है फानूस से, यानी पंजतन की रोशनी, हसन मुस्तफा की रोशनी वो आफाक में फैलेगी हुसैन इब्ने अली के जिक्र से। इसलिए पंजतन में जो सबसे ज्यादा जिक्र है वो हुसैन इब्ने अली का है। इमाम हुसैन के जिक्र से रोशनी फैलेगी, यानी हुसैन के जिक्र से हसन मुस्तफा का नूर भी फैलेगा। फातिमा सलामुल्लाह अलैहा, मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम, इन सब पर सबसे ज्यादा जिक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का है मेरे साथ। इसलिए रसूलुल्लाह ने खास एहतमाम भी किया था हुसैन के लिए। ये जो हुजूर सजदे को तूल दें,
हाय 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 आ जाए आज कोई अगर नवासा किसी नाना के पुष्प पर तो नाना क्या सज्जे को तूल देंगे? कोई फतवा है कहीं किसी मुफ्ती साहब का कि सुन्नत रसूल यह है कि आप सज्जे को तूल दीजिए? नहीं, यहां नाना के पुष्प पर नवासा नहीं है, यहां रसालत के पुष्प पर इमामत हुसैन है। अल्लाह अकबर भाई। और लिहाजा जिब्रील नाज़िल होते हैं, या रसूल अल्लाह उस वक्त तक सज्दे से सर ना उठाए जब तक हुसैन अपनी मर्जी से ना उतर जाए। ये जैसे मुहर्रम का जान चालू होता है ना तो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, और मैं कहता हूँ कि इस बात की कोई हकीकत नहीं है, लेकिन ये नमाज या हुसैन, हुसैन या नमाज। देखिए रसूल अल्लाह ने क्या हुसैन को छोड़ दिया, नमाज जारी रखी? नहीं नहीं, नमाज जारी रखी, हुसैन पुष्प पर रहे। ये भी नहीं किया कि हुसैन को छोड़ दिया, नमाज जारी रखी। ना ये किया कि नमाज तोड़ दी और हुसैन को ले लिया। हुसैन और नमाज का इतना हसीन इम्तिजाज कहीं और हो नहीं सकता, जो सजदे रिसालत में मौजूद है, जो सजदे मुस्तफा में मौजूद है। और हुसैन को सजदे में पुष्प पर 70 मरतबा हुजूर कहते सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे। कयामत तक के मुसलमानों को समझाना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं? सरे मुबारक चुका हुआ था, नमाज सरवर पढ़ा रहे थे, हुजूर आगे सहाबा पीछे, वो फर्ज अपना निभा रहे थे कि मुहिब ऐसे में मुस्कुराते हुसैन घर से जो आ रहे थे। अल्लाह अकबर, मुहिब ऐसे में मुस्कुराते हुसैन घर से जो आ रहे थे और हुसैन पूछते नबी पर बैठे जमाने भर को बता रहे थे। क्या बता रहे थे? कि मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, उसी को मैं शर्म में चाहूंगा। जाकर मेरी आवाज आ रही है मेरे शेख सुनी भाई सुने, भाई हुसैन पुष्टर रिसालत पर है, हुजूर समझा रहे हैं मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, उसी को मैं शर्म में चैन होगा, भाई नमाज उसी की कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन ये मेरे साथ। तो हुसैन है उस शजरे मुबारक जैतूनिया का फानूस, मनस्से कुरानी, अलमिश्कात जो ताक है वो सैयदा है, फी हम इस्बाह उसमें एक चराग है, चराग इमाम हसन है, अल मिस्बाहु फी जुजाजतिन अजुजाजतु कअन्नह कौकब दुर्रियुन, और ये फानूस इतना रोशन है जैसे कौकब दुर्री हो। युकदु मिन शजरतिन मुबारकतिन जैतूनतिन ला शर्कियतिन वला गर्बिया, और ये रोशन है एक शजरा मुबारक है जैतूनिया से। जैतूनिया का मतलब ये है कि जो हमेशा दाइमी हो, कभी जिसे जवाल ना हो। सूरह इब्राहिम में इसी शजरा मुबारक को शजरा तैयबा भी कहा गया है। दो इस्तिलाहें कुरान की, एक शजरा मुबारक, एक शजरा तैयबा। इसी के मुकाबले में दो और इस्तिलाह भी हैं दोनों कुरान में, एक शजरा मलूना और एक शजरा खबीसा, ये दोनों कुरान में हैं। अब मैं यहां पर इस वक्त जिक्र नहीं करना चाहता कि कौन सा शजरा मलूना है और कौन सा शजरा खबीसा है, बस जो शजरा तैयबा के मुकाबले में आ जाए उससे बड़ा कोई खबीस है नहीं। ठीक है, तो ये कुरान की इस्तिलाह को इनकार नहीं कर सकता, तारीख में तलाश तो करना पड़ेगा कोई ना कोई तो शजरा है जो खबीसा है, वरना कुरान सपोजिशन पे तो बात करता नहीं। अलम तरा कैफ ज़रब अल्लाह मसलन कलिमतन तय्यबा का शजरतन तय्यबा असला साबितुन व फरहा फिस समा, के अल्लाह ने कलमे तय्यबा की मिसाल दी है शजरे तय्यबा की तरह, और फिर आगे फरमाया कि कलमे खबीसा की मिसाल है शजरे खबीसा की तरह। तो शजरे खबीसा का जिक्र भी कुरान में है, और सूरह इसरा में शजरे मलूना का जिक्र भी है। उसका आने वाली मजालिस में कहीं बात करने हम इस पर, लेकिन जरा मेरे साथ रहिएगा इस वक्त। अच्छा, ये जो शजरे मुबारक है जैतून अतिन यानी हमेशा दाइमी,
सही है, उस शजरे मुबारका की एक शाख और एक फर्द आज तक मौजूद है जो पर्दा गैबत में, जो वक्त का हुसैन है। क्या कहना, सुभान अल्लाह, शजरे मुबारका जैतूनी। अच्छा आगे फरमाया, फी बुयूत नज़र अल्लाह तुरफा व युज़करा फी अस्म, ये शजरे मुबारका एक ऐसे घर में है कि फी बुयूत, वो घर वो है कि जिनकी ताजीम का अल्लाह ने हुक्म दिया है। ये सूरह नूर के आयत नंबर 36 हो गई। अच्छा देखें, गर्मी भी शदीद है और मैं भी इस वक्त शदीद गर्मी महसूस कर रहा हूं, लेकिन मेरा साथ दीजिएगा, एक जुमला कहने लगा हूं। जब ये आयत नाजिल हुई तो हुजूर से किसी ने पूछा, कहां से पढ़ रहा हूं ये रिवायत, बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 24, जो हमारे शिया भाई तशरीफ फरमा उनके लिए हवाला काफी है, और हमारे रादान सुन्नत जहां ज्यादा सुन रहे हैं उनके लिए अब्दुल्ला बिन उबैदुल्लाह हस्कानी हनफी नेशापुरी की तफसीर शवाहिद तंजील जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 533। यार इतने कैमरों के सामने मैं बात कर रहा हूं तो ये नोट हो रहा है, तो जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 533, हो सकता है सफा नंबर पर इख्तलाफ हो जाए मुख्तलिफ वर्जन के हिसाब से, लेकिन पहली जिल्द पर शवाहिद तंजील, उसमें हदीस मौजूद है। रिवायत यह है कि जब आयत नाज़िल हुई कि कुछ घर ऐसे हैं कि जिनकी तासीम का अल्लाह ने हुक्म दिया, युसब्बिहु लहु फीहा बिलगुदूवि वल असाल, और ये घर हुआ कि जिनमें सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह पढ़ी जाती है। कल की गुफ्तगु से मुत्तसिल है बात, क्या कहना, सुभान अल्लाह। फकामा इलैहि रजुलुन, रसूलुल्लाह के पास एक शख्स खड़ा हुआ, उसने कहा कि अय्युल बुयूत हाज़िहि या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह ये कौन से घर है जिनकी तासीम का अल्लाह ने हुक्म दिया। या अल्लाह, हुजूर ने कहा हिया बुयूतुल अंबिया, पहले फरमाया ये अंबिया के घर है जहां नूर इलाही है, अल्लाह ने जिनकी ताजीम का हुक्म दिया। बात काफी थी इतनी, लेकिन सदर इस्लाम के कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें हमेशा दिल में ये खटका रहता था कि जब हुजूर अंबिया के फजाइल बयान करें तो कहीं अली को साथ में ना जोड़ दें। तो जो दिल में एकदम होता है वो जबान पर आ जाता है, होता ना कभी कोई पूछ लेता, खुद से पूछ लेता है, ऐसा तो नहीं है। फकामा इलैही मुलाना, एक और साहब खड़े हुए, तारीख में नाम लिखा हुआ है, मैंने हवाला दे दिया है, मैं मजलिस के तकद्दस की वजह से नाम लेना नहीं चाहता, जी तब कहने की जरूरत नहीं है, खुद जाके देख लीजिएगा नाम। वो साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा कि हाजल बैत में ना, या रसूलल्लाह आपने ये कहा कि अंबिया के घर हैं जिनकी तासीम का अल्लाह ने हुक्म दिया, क्या ये घर भी उन्हीं में से है। वह इशारा इला बैत अली जिन फातिमा, उन्होंने इशारा किया मौला अली के घर की तरफ और सैयदा कौनैन के घर की तरफ। भाई मुझे इतना तो समझ में आ गया कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन जब वो ये जानते थे कि अंबिया की कोई भी फजीलत बयान हो, हम में से तो कोई इस काबिल नहीं कि उस फजीलत में शरीक हो सके। अल्लाह हू अकबर, या अली, तो अंबिया में से जब अंबिया की वो फजीलत बयान हो तो हम तो इस काबिल नहीं कि उस फजीलत में शरीक हो सके, फकत एक अली। ये जाकर देख लीजिएगा क्या इमाम फखरुद्दीन राजी ने नहीं लिखा ये कि हुजूर ने फरमाया कि मन अरादा अन यंजुरा इला आदम फी इल्मिहि व नूहन फी अज़्मिहि व इब्राहीम फी खुल्लतिहि व ईसा व मूसा फी हैबतिहि व ईसा फी ज़ुहदिहि फलयंजुर इला अली इब्न अबी तालिब, क्या ये नहीं लिखा, बल्कि इससे एक हदीस इस तरह की है और एक हदीस और तफसील के साथ है, और वो तफसील इस तरह से है कि जो देखना चाहे जिब्राइल को उनकी जलालत में, वो इला मीकाईल फी रुतबतिहि और मीकाईल को उनके रुतबे में और इसराफील को उनकी हैबत में और आदम को उनके इल्म में और नूह को उनके अज़्म में और इब्राहिम को उनकी खुल्लत में और मूसा को उनकी हैबत में और अय्यूब को उनके सब्र में और यूसुफ को उनके उस्वा जमाल में और ईसा को उनके ज़ोहद व तक़्वा में फलयंज़ुर इला अली, ये नज़र चाहिए अली को देखे। अल्लाहु अकबर, या अली, बात समझ में आ रही है। तो देखिए हमें इस पे कोई एतराज नहीं कि आलम इस्लाम का कौन सा फिरका किसे मानता है, जो जिन्हें मान रहा है उसे अल्लाह के सामने जवाब देना है, ठीक है,
मैं फकत इतना कहना चाहता हूं कि औरों को अली के साथ ना मिलाओ, बस आपने जैसे मानना है मान लिया, लेकिन अली और है। बात समझ में आ रही है? अरे क्या तारीफ में मैं रिवायत को पूरा करूंगा कि जब उन साहब ने पूछा कि क्या यह घर भी उन्हीं में से है कि जिनकी तासीम का अल्लाह ने हुक्म दिया है। ये रिवायत अभी मेरे जहन में है, लेकिन मैंने कहा अली और है बाकी और क्यों? एक रिवायत है कि जब भी सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन में कोई किसी मुश्किल पे होता था तो रसूल अल्लाह के पास जाते थे कि या रसूल हमारे लिए दुआ कीजिए, तो हुजूर दुआ करते थे कि परवरदिगार तुझे अली का वास्ता है, किसकी मुश्किल को हल फरमा दे। अच्छा, एक बार ये वाकया हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, तो बहुत से मुंतजर थे कि हमारा नाम भी तो आएगा, हमारे नाम के वसीले से भी तो दुआ होगी, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने कहा अच्छा, क्योंकि हम मुश्किल में होते हैं ना, लिहाजा अली का वसीला होता है, तो जब अली खुद मुश्किल में होंगे तो हमारा ही वसीला होगा। तो अल्लाह का करना यह हुआ कि मुश्किल को शायद कायनात एक मरतबा खुद मुश्किल में आ गए ताकि हुज्जत तमाम हो सके। तो आए रसूल अल्लाह के पास, या रसूल अल्लाह मेरे लिए दुआ फरमाइएगा, एक मुश्किल में हूं। तारीख में जाके देखिएगा, हुजूर ने दौर कर नमाज पढ़ी तो बहुत से सुनने वाले जमा हो गए कि अब अली के लिए दुआ किसके वसीले से होगी। हुजूर ने सजदे में कहा अल्लाहुम्मा फिर ले अली जिन बेहक अली है। यार हैदर हैदर का नारा लगाने वाली बात तो अब आ रही है। तो वो आए हुजूर के पास और उन्होंने आके सवाल किया, यार रसूल अल्लाह, हम बसत एहतराम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपने अभी दुआ की कि ऐ खुदा तुझे अली का वास्ता है कि अली की मुश्किल को हल फरमा दे, तो जब हम मुश्किल में हो तब भी अली का वसीला, और जब अली मुश्किल में हो तब भी अली का वसीला। हुजूर ने कहा जब मैं मुश्किल में हो तब भी अली का वसीला। हक तो यही है। उन्होंने पूछा हाजल बैत मिन्हा, या रसूलुल्लाह जिन घरों की ताजीम का अल्लाह ने हुक्म दिया है, ये अंबिया के घर हैं, आपने फरमाया क्या ये घर उन्हीं में से है? आप यकीन फरमाइएगा, शवाहिदुत तंजील अब्दुल्ला बिन उबैदुल्लाह हस्कानी हनफी निशापुरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, उस किताब में रिवायत ये नहीं है जो शायद हो सकता है कि कोई एक्सपेक्ट कर रहा हो कि हुजूर ने कहा हाँ ये घर उन्हीं में से, ये नहीं कहा हुजूर। तो फिर क्या कहा मौलाना साहब? हुजूर ने कहा नाम मिन अफजल है, उन अंबिया में भी अफजल घर अली ने भी ताला लगाया है। उनसे भी अफजल, सुभान अल्लाह। यह है शजरे मुबारक ज़ैतूनिया जिसका जिक्र कुरान में फी बुयूत इनदिन अल्लाह तुरफा व युज़करा फी अस्मो, ये वो घर है जिनकी तासीम का अल्लाह ने हुक्म दिया। तो इस घर में है अल्लाह सुभान व तआला का नूर, सुभान अल्लाह, अल्लाह का नूर जमीन और आसमान में है, लेकिन उसका जो सबसे बड़ा मिज़दाक है वो इस घर में है। वनसे आए कुरान, बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये जो अल्लाह का नूर है ना, जो शजरे मुबारक में अल्लाह सुभान व तआला ने अता किया, हाँ मैं बात पास आ पा रहा हूं अपनी आई नहीं, देखें अल्लाह सुभान व तआला ने अपने नूर से इन्हें नूर अता फरमाया है, अपने नामों ही से इन्हें नाम भी अता फरमाया है, अपने सिफात से इन्हें सिफात अता फरमाई है। वो खालिक है या मखलूक है, वो माबूद है या अब्द है, इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह सुभान व तआला ने अता फरमाया, लिहाजा मसारे सिफात खुदावंदी है। बहुत सादा सी बात है कि वो दुआ के जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम फतलक आदम मिन रब्बी कलिमातिन फताब अलैहि तवाबुर रहीम सूरह बकरा के नंबर 37 है, कि आदम अलैहिस्सलाम को कुछ कलिमात इल्का किए गए कि जब उन्होंने तौबा की तो कलिमात कौन से थे? इलाही बिहक मुहम्मदिन व अंतल महमूद,
وبحق علي وانت الاعلى وبحق فاطمه وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسين وانت قديم الاحسان سبحان الله। देखें ये दुआ बड़ी मुजर्रब दुआ है, तो ये जो अभी हमने इस दुआ को पढ़ा है आप सबकी नियाबत में, आप तमाम की हाजात की बराबरी के लिए और इंशाअल्लाह जो कुछ इस वक्त आप दिल में नियत लेकर आए हुए आपकी नियतों से बढ़कर नवाजे, यहां से वहां तक दुआओं की कबूलियत के लिए बाबा से बुलंद सलावात भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। सुभान अल्लाह। तो यानी वो महमूद था तो इन्हें मोहम्मद बनाया, ये अल्लाह सुभान व तआला ने अपना नूर अता फरमाया। वो आला था तो इन्हें अली बनाया, वो फातिर समावात वल अर्ज था तो इन्हें फातिमा जहरा बनाया, वो मोहसिन था तो इन्हें हसन मुश्तबा बनाया, वो कदीमुल एहसान था तो इन्हें हुसैन सैयदुल शहदा बनाया। है मेरे साथ, मैं खस्तगी थोड़ी सी महसूस कर रहा हूँ, मैं आज से बोल रहा हूँ आपके साथ बोलना है मेरे। वो माबूद था तो इन्हें ज़ैनुल आबिदीन बनाया, वो आलिमुल गैब व शहादा था तो इन्हें बाकिरुल उलूम बनाया, वो सादिकुल वाद था तो इन्हें जाफर सादिक बनाया, वो कादिमुल गैस था तो इन्हें मूसी कासिम बनाया, उसे रजा पसंद थी तो इन्हें अली रजा बनाया, उसे तकवा महबूब था तो इन्हें मोहम्मद तकी बनाया, वो नकी मिजाज था तो इन्हें अली नकी बनाया, वो अस्कराना शान का हामिल था तो इन्हें हसन अस्करी बनाया। और गौर कीजिएगा वो खुद गायब था, लिहाजा अपनी आखिरी हुज्जत को गायबत के पर्दे में रख। अल्लाहु अकबर। तो ये सल्लल्लाहु अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। आज एक बात को यहां से और थोड़ा सा एक मरहले में आगे बढ़ा के आज बात को रोक देना, फिर कल से बात शुरू करेंगे। अल्लाह नूर समावात वल अर्श। अच्छा, ये जो अल्लाह का नूर है इसके लिए सूरह सफ में भी एक आयत है, कुछ आयतें पढ़ी आज मैंने आपकी खिदमत में। सूरह सफ की एक और आखिरी आयत सुन लो। सूरह सफ में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कहा, युरीदून लियुतफिउ नूरल्लाहि बिअफवाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। ये चाहते हैं, युरीदून, ये चाहते हैं कि अपनी फूकों से, युरीदून लियुतफिउ, बुझा दें नूर अल्लाह, अपनी फूकों से अल्लाह के नूर को। हाय हाय हाय। अच्छा, यानी इन्हें समझ नहीं है, फूक से नार तो बुझ सकती है, नूर तो नहीं बुझ सकता, लेकिन युरीदून लियुतफिउ नूर अल्लाह बिअफवाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, अल्लाह अपना नूर पूरा करके रहेगा। वलौ करिहल काफिरून, चाहे काफिरों को कितना ही गिरा गुजरे, अल्लाह अपना नूर पूरा करेगा। क्या कहने इमाम से पूछा कि मोहम्मद इब्न फुज़ैल से रिवायत है किताब अल काफी में। देखें, जब भी कभी आयत की तावील आए ना, यानी नूर अल्लाह से मुराद क्या है, तो ये मेरा अपना मिजाज नहीं हो सकता कि मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैंने कह दिया नूर खुदा से ये मुराद है। नहीं, हदीस मासूम होनी चाहिए। मौला से पूछा गया कि मौला ये नूरुल्लाह किताब अल काफी जिल्द नंबर 1 में हदीस है, इससे मुराद क्या है? फरमाया कि युरीदून लियुतफिउ विलायत अली इब्न अबी तालिब। नूरुल्लाह से मुराद अली इब्न अबी तालिब की विलायत है। ये चाहते हैं कि अपनी फूकों से बुझा दें। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, अल्लाह भी इस नूर को पूरा करके रहेगा। वलौ करिहल काफिरून, चाहे काफिरों को कितना ही गिरा क्यों ना गुजरे, अल्लाह ने नूर पूरा किया, एहतमाम किया। गदीर के मैदान में 3 दिन तक रोका। जब हज खत्म हो जाता है ना, तो हाजी खाने काबा कम जाता है, ट्रेवल एजेंट के पास ज्यादा जाता है, उसे जल्दी होती है जाने की फौरन, इसलिए कि वहां उसे कोई हाजी साहब कहने वाला नहीं होता। उसे कोई हाजी साहब कहने वाला नहीं होता ना, तो वो चाहता है कि मैं जल्दी चला जाऊं, जल्द से जल्द अपने घर चला जाऊं। तो वो हाजी जो था उसे फौरन जाने की जल्दी होती है। रसूल अल्लाह ने 3 दिन तक काफिला रोका अल्लाह का नूर पहुंचाने के लिए। बात है मेरे साथ, 3 दिन तक काफिला रोक के रखा। और जब 3 दिन तक काफिला रोक के रखा, तो उससे पहले जो आगे चले गए थे पीछे बुलाया, पीछे रह गए थे उन्हें आगे बुलाया। अली है हद इत्तेदाल, आगे बढ़ गए हो गाली हो गए हो पीछे आ जाओ, मुकस्सिर हो गए हो आगे आ जाओ। अली हद्द-ए-इत्तेदाल, ना अली
आम मंदा है, आम मंदो जैसा तो नहीं है ना। देखो नाली रब कहो सही है, नाली को अपने जैसा कहो। तो हद इत्तेदाल पर अली नबी तालिब हुजूर ने जमा किया। अच्छा जो कितने माशाल्लाह सायरीन नूरानी चेहरे नजर आ रहे हैं, तो अल्लाह ताला सबको ज़ियारत नसीब फरमाए बार बार इंशाअल्लाह। अगर 100 लोगों का भी कारवान होना चलाना कितना मुश्किल होता है, और उसको एक साथ रोकना कितना मुश्किल होता है। 1.25 लाख का मजमा था वहां पर, और सारे 3 स्टार थे वहां पर। सारे मुसलमान, सारे हाजी, सारे साहबी, 3 स्टार हो गए या नहीं हो गए? ठीक है, वहां रसूलुल्लाह ने रोका। अब 1.25 लाख के मजमे को रोकना है, कहीं 90,000 है, कहीं 1.25 लाख तक है। तो अगर इतने बड़े मजमे को रोकना है तो उसके लिए कोई अनाउंसमेंट भी तो होगा, कोई ब्रेक भी तो होगा भाई। होता ऐसा नहीं होता तो रसूलुल्लाह ने सलमान से कहा जाओ सबको जाके कहो हैया आला खैर अल-अमल, हैया आला खैर अल-अमल। उसी दिन से ये अजान में शामिल किया गया ताकि मौसिन जब कहे हैया आला खैर अल-अमल तो अली की विलादत याद आती रहे। जी बात यहां रुक जाएगी, मेरे साथ चला, मुझे पूरी गदीर नहीं पढ़नी, गदीर आपने सुनी भी है, मुझे आगे बढ़ना है। लेकिन जो शजरे मुबारक है, जो नूर खुदा है, इस नूर खुदा का ऐलान जरूरी था। अल्लाह ने सूरह सफ में कहा एक काफिर चाहते हैं कि नूर खुदा को बुझा दे, अल्लाह अपना नूर पूरा करके रहेगा। मुस्तफा ने एहतमाम किया, अय्या आला खैर अल-अमल के जरिए से काफिले को रोका, तवील तरीन खुतबा इरशाद फरमाया हुजूर के तवील तरीन खुतबों में से। देखें कहीं पर यह हुक्म नहीं है, जब नमाज का हुक्म आया ना तो रसूलुल्लाह ने मजमा जमा करके खुतबा नहीं दिया, जो जो मिलता गया उसे नमाज का हुक्म बतलाते गए। हाँ, रोजे का हुक्म आया, जो जो मिलता गया उसे रोजे का हुक्म पहुंचाते गए। लेकिन अली की विलायत का हुक्म आया, मजमा जमा किया, खुतबा भी दिया, अली की विलायत का ऐलान भी किया, पता चला मजमा जमा करके अली के फजाइल पढ़ना सुन्नत नबी है। मजमे में जमा होकर अली के फजाइल सुनना सुन्नत सहाबा है। اللهم صل على محمد وعلى محمد अली के सदके में जो कौसर का जाप मिलता है ना, अल्लामा अमीनी ने किताब अल गदीर लिखी है, 11 जिल्द की किताब है। अल्लामा अमीनी को मौला अली अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया था कि ए अमीनी, खुदा तेरे चेहरे को इसी तरह रोशन करे जैसे तूने दुनिया में मेरे चेहरे को रोशन किया। 20 साल की जहमत उठाई है, रोजाना बगैर किसी तातील और छुट्टी के 16-16 घंटे काम किया। खुद अल्लामा अमीनी कहते हैं मैंने किताब अल गदीर को लिखने के लिए 10,000 किताबों को पहले सफे से आखिरी सफे तक लफ्ज ब लफ्ज 10,000 किताबें पढ़ी, और 50,000 किताबों को बतौर रेफरेंस यूज किया, उसका तवरुक किया। अल्लामा अमीनी के बेटे कहते हैं जब उनका इंतकाल हुआ तो मैंने ख्वाब में देखा मेरे बाबा को कि जन्नत है और हौज़े कौसर है और साकी कौसर वहां मौजूद है, और एक एक उनका मुहिब जा रहा है और मौला अली सैराब फरमा रहे हैं। कहते हैं कि जब मेरे बाबा की बारी आई, सुन लेना जुमले को, तो उन्होंने कूज़े आपको एक तरफ रखा और अपने हाथों से कौसर को भरा। अल्लाह अकबर। और फरमाया कि ऐ अमीनी, तेरा हक यह है कि तू अली के हाथों से पानी पी। यह है अल्लामा अमीनी जिन्होंने कदीर लिखी है। तो जरा सुन लीजिएगा कि
एहतमाम किया रसूल अल्लाह ने, मैंने कहा कि तवील तरीन खुतबा दिया। अच्छा, जो तवील खुतबा दिया उसमें मिंबर पर खुतबा दिया वो मखसूस मिंबर के जो गदीर ही का मिंबर था, चूंकि खास एहतमाम करना चाहते थे। क्या ये ऊंटों के पालान है ना, इसे उतार दो और एक के ऊपर तख्ता रख दो। ऊंटों के पालान का मिंबर था, ऐसा मिंबर तारीख में और नहीं बना। मैंने अल्लामा तालिब जौहरी साहब अल्लाह मकामा उनसे एक जुमला सुना था कि अरबों में अगर कहीं मजमे में खुतबा देना हो और मिंबर मयसर ना हो तो लंबे कद वालों के ऊपर शाने बढ़ाकर तकरीर की जाती थी। और यकीन जानो उस मजमे में लंबे कद वालों की कोई कमी नहीं थी। अब ये जिन तक जुमला पहुंच गया वो पहुंच गया। या अल्लाह, हुजूर ने मिंबर बनवाया और ऊंटों के पालान का मिंबर, सुभान अल्लाह, अजब एहतमाम किया। और एक देखे, अगर अनयूजुअल मिंबर हो ना तो उसकी कोई ना कोई हिकमत होती है। रसूलुल्लाह का कोई काम हिकमत से खाली नहीं। बात वाजह है ना भाई, अगर यहां इस मिंबर में तकरीर कर रहा हूं तो ये वो मिंबर है कि जो इस तरह का मिंबर मामूल के मुताबिक होता है। एक मिसाल दे रहा हूं फकत ताकि बच्चे समझ जाएं, बुजुर्गों से माजत, एक मिसाल दे रहा हूं। फर्ज कीजिए कि यहां मेंबर अवेलेबल ना हो और मैं कहूं जनाब जिया भाई से कि यहां फ्रिज ले आइए, मैं फ्रिज के ऊपर बैठ के तकरीर करूंगा, तो आप कहेंगे जनाब ये किबला क्या हो गया आज। लेकिन हो सकता है कि मेरी हिकमत ये हो कि जब ये कल बच्चा फ्रिज को देखेगा ना अपने घर में तो उसे मेरी तकरीर याद आएगी। रसूल ने ऊंटों को पालान का मेंबर बनाया ताकि कोई अली के मुकाबले में किसी ऊंट पर बैठ के ना जाए। खत्म हो गई बात जी। तवील तरीन खुतबा इरशाद फरमाया, उसमें ये भी जुमला का नूर मसलूकुन फिया मिन अल्लाह अज़्ज़ा वजल, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की जानिब से नूर मुझ में तैर रहा है। सुम्मा मिन बाद अली इब्न अबी तालिब, उसके बाद मेरे बाद ये नूर अली इब्न अबी तालिब ने, फिर फरमाया सुम्मा अली इब्न अबी तालिब के बाद मिन नस्ल इलाल कायम अल महदी, अली इब्न अबी तालिब की नस्ल में कायम अल महदी तक ये नूर जारी और सारी रहेगा। सुभान अल्लाह, अली इब्न अबी तालिब को तवील खुतबा दिया, उस खुतबे में चार मरतबा है मन कुंतु मौला फाजा अली व मौला, एक मरतबा नहीं। लिहाजा जब किसी मौलाई से किसी ने पूछ लिया कि आपके खुलफा कौन से चार हैं, तो उसने कहा अली 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 अली, अली, अली। अब ये अलग बात है, मेरे तमाम शियाज़ुली भाई वो गदीर को मानते तो हैं, इसलिए कि आज गदीर का कोई इनकार कर नहीं सकता। मौला तारिक जमील साहब ने भी गदीर के हवाले से मौला अली के फजाइल पर गुफ्तगू की थी, मौलाना मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने भी की। अल्लाह सुभान व तआला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। गदीर का कोई इनकार नहीं कर सकता। हाँ, मौला का मतलब क्या है? मौला का मतलब दोस्त है या मौला का मतलब आका है? फहाजा अली मौला, इस मौला को तो बाद में हल करना, पहले मन कुन तो मौला को तो हल करो। मन कुन तो मौला, जो ये मौला है का मतलब है वही आगे मौला का मतलब है। तो अगर आप ये जुरअत करते हैं कि रसूल अल्लाह के दोस्त बने हुए हैं आप, कि रसूल अल्लाह ये कह रहे हैं कि जिस जिसका मैं दोस्त हूं, यानी जो रसूल अल्लाह से कमतर नबी हैं दर्जे में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनका दोस्त तो अल्लाह हो, खलीलुल्लाह, हाँ, और मुस्तफा का दोस्त हरा हरा गरा बन जाएगा। तो हुजूर ने, बस बात खत्म कर दी मैंने यहां पर, तो हुजूर ने अली इब्न अबी तालिब के शानों पर बुलंद भी किया, दिखलाया भी, इसके बारे में आप सुन चुके हैं। क्या कहना, बाजू उठा उठा के दिखाते रहे रसूल, अंधों ने फिर भी कुछ नहीं देखा गदीर में। जाहिर में कह रहा था वो बखिल लगा, मगर सीने पे सांप लौट रहा था गदीर में। अल्लाह अकबर, ऐसे ही है या नहीं है? हाँ जी, रास्ता भटक गया था मुसाफिर गदीर का और बस जरा सी देर में पहुंचा गदीर में।
ठीक है। तो ये खास रसूल अल्लाह ने इत्तेमाम फरमाया, पूरा हुआ खुदा का इरादा। गदीर में कल सुना चुका हूँ कुछ में से, मौलाइयों को मिल गया मौला गदीर में, किस किस के ख्वाब थे जो मट्टी में मिल गए, निकला है हसरतों का जनाजा गदीर में। हाँ, कुफरों नफाक और शिर्क परेशान हो गए, तीनों का हो रहा है सफाया गदीर में। या अल्लाह, तीनों का हो रहा है सफाया गदीर में, तीनों का हो रहा है सफाया गदीर में। उतरा हुआ है शेख का चेहरा गदीर में, ये नया मिसा सुना रहा हूं, जब तक नहीं पढ़ा मैंने। उतरा हुआ है शेख का चेहरा गदीर में, मैं नकली ने देखा असली खलीफा गदीर में। लफ्जों की एक रायत और भी है मेरे साथ, चलेंगे एक सफर में और बस आखिरी मंजिल है। मैंने सहमत दी आज बहुत ज्यादा। उतरा हुआ शेख का चेहरा गदीर में, मौलाइयों को मिल गया मौला गदीर में, निकला हसरतों का जराजा गदीर में। जो लफ्जों की रियायत को यहाँ समझते हैं, मैं उनसे मुखातब हूँ। हैदर को मुस्तफा ने बड़ी चाहतों के साथ, हैदर को मुस्तफा ने बड़ी चाहतों के साथ हिजरत की शब्द सुलाया, उठाया। यह वो नूर इलाही जिसके लिए रसूल अल्लाह ने इहतमाम फरमाया। बात आज इस मकाम पर रुक रही है, कल यहां से बात शुरू करूंगा। मैंने कहा कुरान में शजरा मुबारका का जिक्र भी है, शजरा मलूना का जिक्र भी है। हजरत अकील मुस्लिम बिन अकील के वालिद, वो इल्मुल अनसाब के मायर थे, नसब जानते थे सबके। एक तरफ से शजरा मुबारका, एक शजरा मलूना, वो नसब जानते थे सबके। लिहाजा हजरत अकील के सामने कोई अपने खानदान की लन तरानियां नहीं हांकता था। एक मरतबा आमर इब्ने आस ने हजरत अकील पर कोई तंज किया, तो हजरत अकील ने यह कहा कि तुझे क्या जवाब दिया जाए कि तेरे बारे में 6 लोगों ने दावा किया था। छह लोगों ने दावा किया था और कुरा डाला गया और कुरा आस इतने वाइल के नाम निकला। अच्छा, जो अमर इब्ने आस से कहा वो तो मैंने बता दिया, जो हाकिम शाम से कहा वो मैं बता नहीं सकता यहाँ पर। बस एक मरतब हाकिम शाम ने तंज किया था हजरत अकील पर कि तुम्हारा चचा तो जहन्नम में है। अबू लहब की बात हो रही है, तो तंज करते हुए कहा कि तुम्हारा चचा जहन्नम में है। अबू लहब की बीवी है उम्मे जमील, जो अबू सुफियान की बहन है, तो हाकिम शाम की फूफी हुई। तो अकील ने, जब हाकिम शाम ने यह कहा ना कि तुम्हारा चचा तो जहन्नम में है, तो अकील ने पलट के जवाब दिया था कि मेरा चचा तेरी फूफी के साथ जहन्नम में है। यार यहां से वहां तक पुरजोर हैदरी सलवार भेजे, मोहम्मद मोहम्मद। ये शजरे मुबारका और शजरे मलूना समझ में आ रहा है जी जी। अब बात आगे बढ़ेगी कल इंशाल्लाह, यहाँ से कुछ नहजुल बलागा के खुतबे की रोशनी में भी और कुछ आयत कुरानी की रोशनी में भी इंशाल्लाह। तो अज़ीज़ाने गिरामी, बस करबला के मैदान में वाजे हो गए शजरे मुबारका की फर्ज कौन है, शजरे मलूना की फर्ज कौन है, वाजे हो गया करबला के मैदान। हुसैन ने यह कहा था कि मेरी तरबियत जिन गोदियों में हुई है, यानी अली और ज़हरा सलामुल्लाह अलैहि, वो गोद मुझे इजाजत नहीं देती कि यज़ीद जैसे की बयत की जाए। सुभान अल्लाह।
हुसैन में खून है फातिमा है, खून है अली इब्न अबी तालिब है। अजीजों दो मुहर्रम हो गई है, हुसैन करबला पहुंच गए। दो मुहर्रम को जब हुसैन करबला पहुंचे, कल मैं पढ़ रहा था कि अपनी एक बीमार बेटी को छोड़कर आए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब इमाम रजा अलैहि सलाम के सामने देबिल ने मरसिया पढ़ना शुरू किया, देबिल को इमाम ने कहा था, मुहर्रम की तारीख थी और इमाम की हम मजलिस थी, देबिल को बुलाया और ये खुद वस्सअली फी मजलिसी, देबिल ने कहा कि मौला ने जगह बनाई मेरे लिए ताकि मैं इमाम के पास आ गया हूँ, और इमाम ने मुझे अपने साथ बिठाया और मुझसे ये कहा कि अंता मादिहुना व नासिरुना बियदिहि व लिसानी, ऐ देबिल तो हमारे मद्दा और नासिर मददगार है। ये जितने भी मरसिया पढ़ने वाले ना खुलूस के साथ, ये हुसैन इब्ने अली के मददगार है, इमाम ने फरमाया है, लिहाजा ये इतनी बड़ी नौकरी और खिदमत है इसे याद रखना। क्या तुमने मेरे जद के लिए को मरसिया पढ़ा है, मरसिया कहा है, ए देबिल मरसिया कहो। देबिल ने मरसिया पढ़ना शुरू किया कि फातिम लो खिलतिल हुसैन मुजद्दलन वक़द मात अच्छानन बिशद्द फुरातिन, 120 बंद का मरसिया पढ़ा देबिल ने। कैसे यदा आप कितना गिरिया फरमाती होंगी जब आपने ये देखा कि हुसैन दो नहरों के दरमियान प्यासा मारा गया है। अफातिम यबनतल खैर कौमी वंदुमी नुजूम सवावातिन फिल अर्ज फलाफी, और ऐ सैयदा कौनैन आप उठें और देखें कि आसमान इज्जत के सितारे जमीन पर बिखरे पड़े हैं। आपका कोई फर्जन करबला में सो रहा है, कोई फर्जन आपका मदीना में है, वह कब्र उन पे बगदाद, एक कब्र बगदाद में है जिसका लाशा बगदाद के पुल पर छोड़ दिया गया। तो देबिल मरसिया पढ़ते रहे और गिरिया होता रहा, गिरिया होता रहा, साथ में इमाम तक की शहादत का मरसिया देबिल ने पढ़ा। इमाम रजा ने कहा क्या तू चाहता है कि मैं एक शेर का और इजाफा करूं? उसने कहा मौला इससे बड़ी मेरी शहादत क्या होगी। इमाम ने कहा ये शेर पढ़, व कब्र उन बितूसिन या लहा में मुसीबत, कि एक कब्र है कि जो सबसे गुर्बत में है तूस में। देबिल ने कहा कि मौला ताज्जुब है, मैं नहीं जानता कि आप में से कौन है कि जिसकी कब्र तूस में बनी हुई है खुरासान में। इमाम ने कहा देबिल वहां किसी और की नहीं, तेरे गरीब इमाम की कब्र बनने वाली है। बस ये कहना था देबिल ने मरसिया दोहराना चाहा कि पर्दे के पीछे से कनीज आई और आकर कहा इमाम रजा अलैहिस्सलाम की कनीज, कहा कि ऐ देबिल इस मरसिये को अब ना पढ़ना, इसलिए कि मौला रजा की बहनों को गश आ गया है। मैं हाथों को जोड़ के सैयदजादियों की खिदमत में अर्ज करूंगा, भाई की शहादत को सुनना बड़ा सख्त है, लेकिन एक बहन करबला में 70 कदमों के फासले से देख रही थी, वह शेमर चालीसन अला सदर शेमर हुसैन के सीने पर बैठा हुआ था, काबिज़न रहिया था, उसने हुसैन की दाढ़ी को पकड़ा हुआ था, फसर बतन मिन ज़रबतिन, एक के बाद एक ज़रबत हुसैन पर लग रही थी, एक बहन 70 कदमों के फासले से भाई को सिवा होते हुए देख रही थी। बस अजीजों ताबे बयान नहीं, बहुत खस्तगी है, यकीन जानो मैं कुछ मसाइल पढ़ूंगा, आपने गिरिया करना है। दो मुहर्रम को हुसैन करबला पहुंचे तो उस वक्त भी बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया था, भैया ये कहां कयाम का इरादा कर लिया, इसलिए कि जैसे ही आप यहां रुके हैं किसी बीबी के रोने की आवाज मेरे कानों में आ रही है। हुसैन ने कहा ऐ ज़ैनब ये किसी और की नहीं, हमारी माँ फातिमा तो ज़हरा की आवाज है। हुसैन मदीना से चले हैं, फातिमा साथ साथ चली है। हुसैन ने कतलगाह को साफ किया है फातिमा ज़हरा ने, मेरे हुसैन को कम कर ना लगने पाए, मैं कहूंगा बीबी कंकर से बचा लिया, हुसैन का लाशा तो तीरों पर मामला था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे मौला ने सवारी के साथ जानवर बदले और उसके बाद जब किसी जानवर ने आगे बढ़ने से इंकार कर दिया, कहा अब्बास अहले मोहल्ला को बुला लो। जब बस्ती वाले आगे बनी असद वाले थे, इमाम ने कहा इस जगह का क्या नाम है? उन्होंने कहा कि इस जगह को गासरिया कहते हैं। इमाम ने कहा कोई और नाम भी है? कहा शत्तुल फुरात भी कहते हैं। कहा कोई और नाम भी है? कहा मौला इसे करबला भी कहते हैं। इमाम ने कहा हाज़ा अर्ज़ु कर्बिन व बला, बस ये कर्ब और बला की सरजमीन है, हाँ होना महत तो रहा लेना व मस्फक दिमा एना, यहीं पर हमारे खेमे लगाए जाएंगे, यहीं पर हमारा खून बहाया जाएगा।
अल्लाह अकबर। हुसैन ने जमीन खरीदी उनसे। ये हुसैन का एक आफाकी कदम था कि हुसैन की जमीन है करबला, जो आ रहा है वो बाहर से बगावत कर रहा है। नऊज़ुबिल्लाह बिज़ालिक मौर्रिख ये लिखने की कोशिश ना करे कि करबला में कौन बागी था, जो बाहर से आया वो बागी था। लिहाजा हुसैन ने जमीन खरीदी लेकिन बनी असद वालों को हिबा कर दी, कहे तोहफे में ले लो, लेकिन मेरी तीन बातें हैं वो मान लेना। बहुत से ज़ायरीन हैं कि जो आशूर पर अभी जाना चाहते हैं, अरबईन पर जाना चाहते हैं। हुसैन ने कहा देखो मेरी पहली शर्त यह है कि जब भी मेरा कोई ज़ायर मेरी ज़ियारत के लिए आए तो उसे तीन दिन तक खाना खिलाना और तीन दिन तक पानी पिलाना। ये हुसैन की एक वसीयत का सदका है जो नजर से करबला के दरमियान हुसैन के नाम पर न्याज तकसीम हो रहा है। वो हुसैन जो खुद तीन दिन का भूखा प्यासा था, उसने कहा मेरा जाहिर प्यासा ना रहने पाए, मेरा जाहिर भूखा ना रहने पाए, उसे तीन दिन तक खाना खिलाना, उसे तीन दिन तक अपना मेहमान रखना। जाहिर के बारे में वसीयतें की, उसके बाद कहा देखो यजीदी फौज को अपने नापाक लाशें लेकर चली जाएगी, मैदान में हमारे लाशें बिखरे होंगे, देखो तुम आना और हमारे लाशों को दफना देना। ये हुसैन की वसीयत है। उन्होंने कहा मौला वादा करते हैं, लेकिन जब जाने लगे ना मर्द तो हुसैन ने कहा अपनी औरतों को भेज दो। अब औरतें चादरें ओढ़कर आ गई मौला के सामने। मौला ने कहा देखो मैं ज़ैनब का भाई हूँ, मैं फातिमा का बेटा हूँ, अगर तुम्हारे मर्द डर जाए हमारे लाशों को दफन ना करें तो फरात के किनारे पानी भरने आना, हमारे लाशों को दफन कर देना, उसके बाद बच्चों को बुलाया गया, बच्चों को भेज दो। छोटे छोटे बच्चे हुसैन के सामने बैठ गए। हुसैन ने कहा बच्चों मैं सकीना का बाप हूँ, मैं अली अजहर का बाप हूँ, अगर तुम्हारे माँ बाप डर जाए हमारे लाशों को दफन ना करें जुमला। ये वादा कर लिया खुदा आपको करबला लेकर जाए। आज भी 12 मुहर्रम को बनी असद का कबीला हुसैन के हरम की तरफ आता है और आकर कहता है कि मौला हमारे बुजुर्गों ने आपसे वादा किया था, हम वादा पूरा करने के लिए आपकी खिदमत में आए हैं। देखो जब बनी असद का कबीला आया ना तो लाश की पहचान नहीं हो पा रही थी, इसलिए कि सर कट चुके थे, नौके नेजा और बुलंद थे। कौन सा लाशा के शहीद का है? सरदार ने कहा गंदे शहीदा तैयार करो, इज्तिमाई कब्र, सारे लाशें एक साथ दफन कर देते हैं। अभी पहला लाशा दफन होने वाला था, खुदा आपको करबला लेकर जाए। आज भी हुसैन के पाइंटी सीधी जाने गंदे शहीदा मौजूद है। अभी पहला लाशा दफन होना था कि राहे कूफा से एक मुसाफिर की आवाज आई। उस मुसाफिर ने कहा ठहर जाओ मेरा इंतजार करो, मैं बताता हूं कौन सा लाशा के शहीद का लाशा। सैयद सज्जा इमाम ने बताया देखो ये हबीब इब्न मज़ाहिर का लाशा है, ये जॉन गुलाम हबशी का लाशा है, ये आबिद बिन शबीब शागरी का लाशा है। फिर पूछने वाले ने पूछा आका ये शहीद का लाशा है, क्या देखते नहीं पूरा बदल मातम करना हक यही है। नाम है हुसैन पर किसी इमाम का लाशा तीन दिन तक फिर पूछा आका ये कि शहीद का लाशा है, का देखते नहीं कलेजे में पर्ची का टूटा हुआ फल मौजूद है, ये मेरे कड़ियल जवान भैया अली अकबर का लाशा है। फिर किसी ने पूछा एक लाशा रह गया था, सज्जाद बैठ गए कहते थे हाय मेरा बाबा, हाय मेरा बाबा। सज्जाद ने अब जबान हाल पढ़ रहा हूं, कोई अकाओ का बाबा हुक्म है जब मैयत को दफन करो तो चेहरे को क़िबले की तरफ कर दो। बाबा आपकी लाश पर कोई सर कोई चेहरा नहीं है। सज्जाद ने अपने होठों को हुसैन की कटी हुई गर्दन पर रखा, अपनी अंगुश से लिखा हाजा कब्र हुसैन इब्न अली है अल्लज़ी क़तलहू अश्शारा, ये उस हुसैन की कब्र है जिसे तीन दिन का प्यासा मारा गया। अजीजो अजब कयामत है, अजब रूहानियत है, लेकिन मैं उस एक शहीद का नाम लेना चाहता हूं जिससे सबसे ज्यादा तुम्हें अकीदत है, बाबुल हवाई है वो हुसैन का।
बनी असद ने कहा सारे लाशें दफन हो गए, अब हम जा रहे हैं। इमाम ने कहा नहीं, एक लाश बाकी है। कहा मौला लाश नजर नहीं आती। कहा चलो मेरे साथ फरात के किनारे, मेरा चाचा अबुल फजल अब्बास, अब्बास का लाश इस काबिल न था कि उठाया जा सके। गिलीन को मंगवाया, लाश के टुकड़ों को चादर में रखा, मौला लहज में उतरे। सबसे कहा दूर हो जाए कोई करीब ना आने पाए। रावी कहता है बहुत देर हो गई, मैंने सोचा कहीं मौला लश ना खा गए हो। जब करीब पहुंचा तो मैंने देखा सज्जाद का सर अब्बास के सीने पर था और फरियाद कर रहे थे, आखिरी जुमला कह रहा हूं, फरियाद कर रहे थे, ऐ मेरे चाचा आप तो यहां आराम कर रहे हैं, मैं आपको आपकी बहनों की हालत बताने आया हूं। आपकी वो बहनें जो घर में भी बेचारा हुई, मेरे बाबा सैयद सज्जाद के ससुर में मोमिना के लिए दुआ के लिए भी कहा जो जो मरीज है जो हाजत कराए या सैयद अल्लाह या रसूल अल्लाह या हजरत अल्लाह खलते या सैयदना व मौला सैयद सज्जाद पर सैयद सज्जाद का वास्ता है या जीना। सुभान अल्लाह इश्पाल अल्लाह आखिरी मर्तबा मिल के कहना ज़हूर मौला के लिए या जीना इंदा अल्लाह।